बाद में मेडिकल कॉलेज में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुबह से एडमिट 14 वर्षीय बच्ची की 12 घंटे बीत जाने के बावजूद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर या अन्य स्टाफ ने सूत नहीं ली। बच्ची के परिजनों ने बताया कि वो अपनी 14 वर्षीय बच्ची जैनत निवासी हबीबगंज थाना रामगढ़ को सुबह 10 बजे मेडिकल कॉलेज में लाए थे। तब से अभी तक कोई भी उसे ट्रीटमेंट देने नहीं आया है, जबकि बच्चे की हालत चिंताजनक बनी हुई है। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया है परा मेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी नौकरी, निजी हॉस्पिटल व स्वरोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। तो आज ही आइए और लीजिए दाखिला परा मेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में।